नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप इस कोरोना के पैंडेमिक में आप सब लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अच्छे होंगे। और मम्मी पापा ने आपको आपका मोबाइल सौंपा है अपना आपको, तो आप उसका सही से उपयोग कर रहे होंगे। इस आशा के साथ हम लोग क्लास 8 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। उसमें पहला चैप्टर हमने खत्म कर लिया है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको जो नहीं समझ में आया उसकी क्वेरीज आप हम तक भेजें, वो क्वेश्चंस हमारे पास तक भेजें, वो सबके क्वेश्चंस एक बार हम ले लेंगे तो उसका वीडियो इकट्ठे बना के आप लोगों को दे दिया जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स में क्लास 8 का चैप्टर 2, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमको क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये उसका पहला पार्ट वीडियो है। अगर दो पार्ट बनेंगे तो दोनों मर्ज होकर आपको मिलेंगे या अलग अलग भी मिल सकते हैं। तो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब क्या है कि जैसे मान लो आपके पास कोई इक्वेशन है, आपने लिख दिया 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 2, ऐसे आपने कोई इक्वेशन लिख दिया इस तरह से। अब क्या है कि इसमें आपको पहले इस तरह से एक ये लीनियर इक्वेशन है, मान लो ये ले लिया आपने। दूसरा आपने ले लिया मान लो -3 = 5, इस तरह से इक्वेशन ले लेते हैं। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसी को वेरिएबल कहते हैं। इसमें वेरिएबल कौन है? यक्स, यक्स वेरिएबल है, इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। यही है लिनियर इक्वेशन। और इस तरह से हम लोग इस तरह के इक्वेशन की में यक्स की, वाई की, जेड की वैल्यू कैसे निकाले? कोई एक चीज दी होगी या आपके पास ऐसे इक्वेशन हो सकता है y + 5 = 3 या z(2z - 3 = 5, इस तरह से कोई भी एक इक्वेशन हो सकता है। इसमें से हमको x, y, z जो भी नंबर्स दिए हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग सीधा आपकी लेट्स ट्राई पे चलते हैं। लेट्स ट्राई पे चलने के बाद वहां से आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी जो भी इक्वेशन वहां दिए। और हाँ, एक चीज और बताना मैं भूल गया था। मान लो आपके पास ऐसे लिखा है a - 5 = 3, तो ये पूरा साइड है, इसको हम लोग कहते हैं RHS, और ये जो साइड है इसको हम लोग कहते हैं LHS. RHS means right hand side. आपकी तरफ से जब देखोगे ये इधर लिखना था इसको, ये आपका है LHS और ये है आपका RHS, उल्टा लिख दिया था इधर का उधर और उधर का इधर लिख दिया। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड। इसको इधर लिखना है और उसको इधर लिखना है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो जब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो कई बार ऐसे पूछा जाता है, क्या हम यहाँ ए की वैल्यू रख दें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएगा? अगर हाँ तो वेरीफाई होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं वेरीफाई होगा। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखें, LHS और RHS, इधर जो इक्वेशन के लेफ्ट साइड में होगा इक्वल टू के उसको लेफ्ट हैंड साइड, जो इक्वल टू के राइट साइड में होगा उसको राइट हैंड साइड। तो इसको शॉर्ट में नाम दिया गया है LHS और RHS। चलो अब हम लोग एक दो क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हमको समझ में आ जाएगी चीजें कि हमको कैसे करनी है, इसको क्या करना है इसमें। मान लो ये आपकी लेट्स ट्राई वन है, लेट्स ट्राई वन में पहला ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है a - 3 = 5। अब हमको इसमें a की वैल्यू निकालनी है और फिर कह रहा है कि क्रॉस सिक्योर आंसर, हमको आंसर भी चेक करना है। तो चलो हम लोग देखते हैं। अब a की वैल्यू निकालनी, a वेरिएबल, क्या करेंगे हम लोग -3 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे। और एक चीज ये पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है, सेवन फिर से पढ़ लेते हैं, जब प्लस ट्रांसफर होता है तो माइनस बनता है, जब माइनस ट्रांसफर होता है तो प्लस बनता है, जब मल्टीप्लीकेशन ट्रांसफर होगा तो डिवीजन बन जाएगा, और जब डिवीजन ट्रांसफर होगा तो मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा। ये बात आप याद रखें। जब आप यहां आपको -3 ट्रांसफर करना है, साइन के साथ देखेंगे, -3 को ट्रांसफर करो, ए यहां बचेगा, इधर 5 पहले से है, -3 पूरा यहां गया तो -3, माइनस ट्रांसफर होगा तो प्लस बनेगा, यहां आके हो गया +3। अब ए की वैल्यू आपकी आ गई 8। अब हमको ये चेक करना है कि आंसर सही है कि नहीं। तो हम लोग ये जो इक्वेशन है आपका पहला, इसी में ए की जगह पे 8 पुट कर देंगे, पुट a = 8 इन इक्वेशन वन या एवव इक्वेशन, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहां a - 3 = 5, अब आप a की जगह पे 8 को पुट कर दो, 8 - 3 = 5,
5 इज इक्वल टू 5। अब आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो भी मैंने बताया था। यहां भी 5 आ गया, यहां भी 5, मतलब आपकी वैल्यू सही है। आपने जो 8 निकाला है वो वैल्यू आपकी ठीक है। इस तरह से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वेरिएबल्स जो है उनकी वैल्यू को निकालेंगे। तो आप लोग अब इतने पे लेट्स ट्राई वन में जितने कितने क्वेश्चन है, नियर अबाउट 9 क्वेश्चन है। अभी 9 क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा, जो चीजें समझ में नहीं आती है उसको आप पूछिएगा। एक आध क्वेश्चन आप लोग, मैं और बता देता हूँ, एक क्वेश्चन और आपको सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग इसको करिएगा। एक इसमें क्वेश्चन है 3/4, क्वेश्चन नंबर ये है 4 प्लस 5x इज इक्वल टू 4। हम लोग यहां क्या करेंगे, हमको x की वैल्यू निकालनी है, 5x को हम इधर रखेंगे, नंबर्स को उधर ट्रांसफर कर देंगे। यहां आपके पास प्लस 5x है इज इक्वल टू, यहां 4 पहले से है, ये ट्रांसफर होके जाएगा तो ये प्लस 3/4 है, यहां आएगा तो माइनस 3/4। अब आप इसको 5x इज इक्वल टू इधर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब 4 इसका एलसीएम हो गया, इसको 5 बंद कर लो ज्यादा समझने के लिए। यहां हो जाएगा 1 4 4 4 4 16 माइनस 3, 4 4 16 माइनस 3। अब क्या करेंगे हम लोग, 5x इज इक्वल टू 16 माइनस 3, 16 माइनस 3 हो जाएगा 13 और बाय 4, यहां 4 4 16 और 3 से निकला तो 13/4। अब क्या करना है हमको, अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 4 को इससे 1 को इससे, मतलब 5x इंटू 4 इज इक्वल टू 13। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 20x इज इक्वल टू 13, तो x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लीकेशन में है उधर ट्रांसफर होगा तो डिवीजन बन जाएगा। अब हमको ये चेक करना है कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं। अगर आंसर सही आया है तो आपने सवाल सही लगाया है, अगर आंसर गलत आ गया तो आपका सवाल सही नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हुआ था। चलो अब हम लोग इसमें पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 13/20 इन इक्वेशन 1, इसको आप 1 मान लो। अब ये हो गया आपका 3/4 प्लस 5 इंटू 13/20 इज इक्वल टू 4। अब आप इसको सॉल्व करो, ये दिख रहा है इसको काट दो, 5 4 20, अब आपका ये हो गया 3/4 प्लस 13/4 इज इक्वल टू 4। अब सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा, 4 हो गया 3 प्लस 13 इज इक्वल टू 4, 16/4 इज इक्वल टू 4 और 4 4 16, तो 4 इज इक्वल टू 4, मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे और इसके आंसर को क्रॉस चेक कर लेंगे। ये हमने क्रॉस चेकिंग करी, ये है क्रॉस चेकिंग और ये आपका इधर एक्स की वैल्यू निकली। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आप इसको, ये पहला जो लेट्स ट्राई है, इसमें 9 क्वेश्चन जो दिए हुए हैं इसमें से 2 हमने बताई थी आपको, आप वीडियो को पॉज करके इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लगाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में ये जो आपका चैप्टर है उसको हम लोग पूरा कवर कर लें, उसके बाद जो आपकी परेशानी होगी उसको हम फिर से सॉल्व करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि एक वीडियो में पूरा चैप्टर कवर हो जाए। अब आपके पास आएगा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड इक्वेशंस। ठीक है, अब इसमें एप्लीकेशन बेस्ड इक्वेशन में स्टेटमेंट दी हुई होगी, आपको उसको अपने हिसाब से बनाना है, उसके बाद सॉल्व करना है। जैसे पहला इसमें सवाल है लेट्स ट्राई टू का पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि फाइंड 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स व्हिच सम इज 144। तीन कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, तीन लगातार ऐसे इवन नंबर्स बताओ जिसको हम सम कर दें तो उसका आंसर आ जाए 144। ये पहला सवाल है आपका। तो इवन नंबर क्या होते हैं, नंबर्स डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे उनको हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर्स। और इवन नंबर्स में दो दो का गैप होता है, जैसे 4 6 8 इस तरह से, मान लो 12 है तो 14 होगा, फिर 16 होगा, तो
बिटवीन टू इवन नंबर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ टू, दो का डिफरेंस होता है किसी भी दो इवन नंबर्स के बीच में। अब आइए लेट्स ट्राई, तुम्हें कहते हैं थ्री कंस्टिट्यूटिव इवन नंबर्स, लेट थ्री कंस्टिट्यूटिव इवन नंबर्स आर। हमने मान लिया कि तीन कंस्टिट्यूटिव इवन नंबर्स कौन कौन से हैं, पहला हमने मान लिया एक्स प्लस टू, दूसरा हमने एक मान लो एक्स, पहले तो हमने तो एक्स ही माना, पहला एक्स, दूसरा एक्स प्लस टू, तीसरा एक्स प्लस फोर, मान लो ये दो आ जाएगा, ये चार आ जाएगा, ये छह आ जाएगा ना। तो इस तरह से हम लोग ये तीन लगातार मैंने मान लिया, प्लस टू इसलिए कराया कि दो दो का गैप होता है, जैसे पहले दो फिर चार फिर छह फिर आठ इस तरह से। तो अब क्या सवाल कह रहा है कि फाइंड थ्री कंस्टिट्यूटिव इवन नंबर्स व्हिच सम इज 144, लेट्स सी। अब इसको सम कर दे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या ए सी क्यू, सीधा सीधा आप देख सकते हैं ए सी क्यू, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ना। अब ऐड करते हैं एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू, आपका आंसर आना चाहिए 144। ठीक, अब आप एक एक्स दो एक्स तीन एक्स वन एक्स और वन एक्स मिलकर थ्री एक्स प्लस फोर और टू मिलकर सिक्स इज इक्वल टू 144। अब क्या करेंगे, 3x इज इक्वल टू, अब आप लीनियर इक्वेशन में पहुंच गए हो, ध्यान से देखना, यहां आप लीनियर इक्वेशन पे आ गए जो इससे पहले सॉल्व कराया था, 6 को उधर ट्रांसफर करते हो 144 माइनस 6, 3x इज इक्वल टू 144 को इसको माइनस कर दोगे तो 138 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 138 बाई 3, ये 3 मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा तो डिविजन बन जाएगा, इसको कैंसिल कर लो, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18। अब आपका पहला नंबर आ गया, x इज इक्वल टू क्या आया 46, ये आपका पहला नंबर है। दूसरा आपने क्या माना है x प्लस टू, मतलब 46 प्लस टू इज इक्वल टू 48। तीसरा आपने क्या माना है x प्लस फोर इज इक्वल टू 46 प्लस फोर इज इक्वल टू 50। अब देखो आप तीन लगातार इवन नंबर्स आपको मिल गए, 46 इवन नंबर, 48 इवन नंबर और 50 इवन नंबर। अब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो 144 आ जाएगा, इसको क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, 8 और 6 14, 5 4 9 और 4 13 और 114 आ जाएगा, 144 आ जाएगा, ये तीनों नंबर्स आपके हो गए 46 48 और 50। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज में कुल 12 क्वेश्चंस हैं, आपको 8 क्वेश्चंस लगाने हैं, एनी 8, सारा का सारा 100% नहीं सॉल्व करना है आपको, कोई भी एनी 8 क्वेश्चंस आप लोग इसका लगाएंगे और फेयर कॉपी में, उसके बाद आपको इसमें किसी भी 8 क्वेश्चन में आपको जो भी परेशानी होगी उसको आप हमसे पूछेंगे। इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, उसके बाद इसकी हेल्प से आगे वाला जो क्वेश्चन है फाइंड थ्री कंस्टिट्यूटिव ऑड नंबर्स। अब पिछली बार इवन नंबर पूछा था, अब की बार पूछा है ऑड नंबर्स कौन कौन से होंगे, इसको अब हम इरेज कर दे रहे हैं, इसके बाद हम ऑड नंबर्स अगला वाला पूछ रहे हैं थ्री कंस्टिट्यूटिव ऑड नंबर्स कौन कौन से होंगे। तो ऑड नंबर्स के लिए आप लिख लेंगे, पहला वाला मान लीजिए x प्लस वन, कोई भी नंबर आएगा तो उसमें प्लस वन करोगे तो ऑड नंबर आ जाएगा, फिर x प्लस थ्री और x प्लस फाइव, इस ये तीनों ऑड नंबर्स हैं, इन तीनों को ऐड कर दीजिएगा और आंसर आना चाहिए 249। 249 इक्वल टू दिखा दीजिएगा, तीनों की वैल्यू आ जाएगी जो भी आनी होगी और इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लगाइएगा, जो नहीं आएगा उसको आप हमको पूछिएगा ग्रुप में या व्हाट्सएप के थ्रू कैसे भी करके, तो हम लोग उसको आगे का सॉल्व करेंगे। अब जो अगला लेट्स ट्राई है, लेट्स ट्राई थ्री जो है, इस लेट्स ट्राई थ्री में आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेट्स ट्राई थ्री में इक्वेशन फिर से दिए हुए और इसको फिर से हमको सॉल्व करना है, सबके दो दो, अब थोड़े जल्दी इक्वेशन दे दिए गए दोनों साइड, जैसे लेट्स ट्राई थ्री में जो पहला इक्वेशन है आपका, पहला जो क्वेश्चन नंबर वन है उसमें दो सवाल है, ए इसमें दिया है 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 2। मैथमेटिक्स को बहुत आप लोग उससे न लीजिएगा कि बहुत ज्यादा दिमाग लगा के पढ़ना है बहुत या ऐसे तरीके से पढ़ना है जिसको हम लोगों को समझ में ना आए या ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं है,
दो ही तीन चीजें करनी होती है, कहीं एडिशन करना है, कहीं सब्ट्रैक्शन करना है, कहीं मल्टीप्लीकेशन करना है, कहीं डिविजन करना है, ये तीन चार चीजें जो है वो आपको इसमें करनी होती है। तो इतना कोई परेशान होने जैसी बात नहीं है, टेक इट इजी और सब्जेक्ट की तरह से मैथ्स को लो, और इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे ज्यादा और आसान जो चीजें हैं पढ़ने में उनमें से मैथ्स एक है, आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आपके जो फॉर्मूले हैं 1, 2, 4 10, 20, 25 पेज याद करने की जरूरत नहीं है, 2, 2, 4 एक एक चैप्टर में 4, 4, 6, 6 फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, बाकी चीजें आपको अपने आप समझ में आती रहेंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 9x + 4 = 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर, ये हो जाएगा 3x - 6। अब क्या करेंगे हम लोग, जो वेरिएबल्स जैसे 9x और 3x इसको एक साथ कर लेंगे, जो नंबर्स कॉन्स्टेंट टर्म्स उसको हम एक साथ कर लेंगे। तो 3x को हम लोग इधर ले आते हैं, 4 को हम लोग इधर कर देते हैं। अब आपका हो जाएगा 9x, ये प्लस 3x इधर आएगा तो -3x = यहां -6 पहले से है, प्लस 4 जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब 9x से 3x निकलेगा 6x और = -10, -4 और -6 मिलकर क्या हो जाएगा -10, x की वैल्यू आ गई आपकी -10/6। ये 6 और x के बीच में मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है, तो जब फिर मल्टीप्लीकेशन ट्रांसफर इट गोज टू बी अ डिवीजन, क्या बन जाएगा डिवीजन बन जाएगा। अब आप इसको कैंसिल कर लो, 2, 5, 10, 2, 3, 6 आपका आंसर आ गया -5/3। इस तरह से आप जो इसमें पहला सवाल मैंने सॉल्व कर दिया, दूसरा भी ऐसा ही है, उसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो दूसरा इक्वेशन है, दूसरा बी वाला, 8x + 3 = 21 - 2x, तो सेम काम यहां वही करना है, 2x को हमने इधर लाना है और 3 को हमने इधर ले जाना है। अब 8x 2x माइनस में इधर आएगा तो +2x, यहां 21 पहले से है, 3 उधर जाएगा तो -3। 8x और 2x मिलके 10x = 21 - 3 = 18। अब x = 18/10, अब इसको कैंसिल कर लो, 2, 9 + 2, 5 x यही काम करना है, सॉल्व दीजिए इक्वेशन, इस तरह से आप इसको लगाइए। और नेक्स्ट टाइम 3 में ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपको ना आए, आपको इसमें 10 कुल क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैक्सिमम आप कोशिश करिएगा 80% क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हम ये नहीं कहेंगे 100% सॉल्व करो, लेकिन आप 80% क्वेश्चन को कम से कम अपनी कॉपी पे लगाओ, बाकी जो 20% बचते हैं उसको आप रफ कॉपी पे लगाओ या कहीं और लगाओ, या जो नहीं आता है वो चीजें हमसे पूछो, घर में बड़े भैया बड़े दीदी हो तो उनसे पूछो, और मम्मी पापा की हेल्प ले सकते हो, उनके पास समय बचता है तो आप उनसे भी पूछो। तो ये लेट्स ट्राई 3 आपका इस तरह से, इस क्वेश्चन के आधार पर सारे क्वेश्चन लगाने हैं, तो आप इसको लगाइए। एक एक क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व कराना पॉसिबल नहीं, इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट और 2, 2, 4, 4 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। इसके बाद जो चीजें आपको नहीं आएंगी वो आप हमसे पूछिए, तो हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। अब लेट्स ट्राई 4 जो है, अब हम लोग कुछ इस तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे, एज बेस्ड क्वेश्चन, मतलब जिसमें ये पूछा जाएगा कि इनकी एज इतनी है, इनके पापा की इतनी, इनकी मम्मी की इतनी है, या स्पीड बेस्ड क्वेश्चन, या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, इस तरह से हम लोग 3-4 इसको भी चीजें हैं, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। और चलो पहला ये क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, लेट्स ट्राई 4 में, लेट्स ट्राई 4 क्या कह रहा है हम लोगों से। लेट्स ट्राई 4 का पहला सवाल है, लेट्स ट्राई 4 का पहला क्वेश्चन जो दिया है उसमें कह रहा है द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज 35, कह रहा है कि 2 इंटीजर है, इंटीजर क्या होते हैं, एनी पॉजिटिव निगेटिव और 0 नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव नंबर या कोई भी निगेटिव नंबर या कोई भी 0। पंखा नहीं चल रहा है बेटा इसलिए बार बार पसीना हो रहा है, तो पसीना पोंछने के लिए पंखा चलेगा तो आवाज आपको क्लियर नहीं आएगी, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो दशम ऑफ 2 इंटीजर, पहला क्वेश्चन है दशम ऑफ 2 इंटीजर इज 35 एंड द रेशियो ऑफ दीज इंटीजर इज 2:3, लेट वन इंटीजर, पहला इंटीजर हम मान लिया फर्स्ट इंटीजर, यहां लिखो लेट फर्स्ट इंटीजर बी एक्स, हमने पहला इंटीजर क्या मान लिया एक्स मान लिया और दोनों का सम क्या है 35, देन अगर हम 35 से एक्स को माइनस कर दे तो दूसरा इंटीजर पता हो जाएगा, देन सेकेंड बी
35 माइनस है, किसी दो नंबर का सम, मान लो कि आपको कहा जाए कि दो नंबर का सम 15 है, उसमें से एक नंबर 10 है, दूसरा नंबर क्या होगा, तो हम 15 में से 10 माइनस कर देंगे 5 आ जाएगा, वही काम कर रहा है। दो इंटीजर्स का सम 35 है और कह रहा है कि उसमें से एक हमने मान लिया यस, तो दूसरा क्या हो जाएगा 35 माइनस यस। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं, इनका रेशियो निकालते हैं, मतलब एक्स रेशियो 35 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2:3, इतना बन जाता है। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बाई 35 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2/3। अब आप देखो लिनियर इक्वेशन में आ रहे हैं धीरे धीरे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 का एक्स में 3x, 2 का 35 में 70, 2 का एक्स में माइनस 2x, एकदम लिनियर इक्वेशन में आ गया। अब 2x को इधर ले लो, 3x प्लस 2x, यहां माइनस में है इधर आएगा, तो प्लस 2x इज इक्वल टू 70। अब आप 3x और 2x को ऐड कर दो, 5x इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 70/5, इसको कैंसिल कर लो, ये हो जाएगा 14। x की वैल्यू आप यहां लगाते हैं, x की वैल्यू आपकी आ गई 14, पहला नंबर, पहला इंटीजर। दूसरा इंटीजर था 35 माइनस एक्स अदर इज इक्वल टू 35 माइनस 14 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 21। अब एक नंबर आपका आ गया 14, एक नंबर आपका आ गया 21, ये दोनों इंटीजर्स थे। अब इसको चेक करने के लिए कि 2:3 आ रहा है कि नहीं, ये काम आपको फेयर पे नहीं करना, ये मैं केवल चेक करके दिखा देता हूं। दोनों इंटीजर का रेशियो 14:21 निकाल लो, अगर 2:3 आ जाता है तो सही है, 14/21, 7 2 7 3 2:3, तो इस मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। इस तरह से हम लोग इसको लगाएंगे, इसमें भी आपके 10 क्वेश्चन है कुल, हम चाहेंगे कि आप इसमें से 7 क्वेश्चन कम से कम लगाएं, 7 क्वेश्चन को सॉल्व करें, इन 7 क्वेश्चन में से जो नहीं आता है उसको आप हम लोग हमसे पूछेंगे, उसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। अब वीडियो में 2 लेट्स ट्राई और बचे, हम चाह रहे हैं कि दोनों लेट्स ट्राई भी आपकी इसी वीडियो में खत्म करते हैं, गर्मी भले है पसीना भले हो रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि ये चैप्टर आपका जो है एक ही वीडियो में खत्म हो जाए, एक वीडियो में खत्म होने से फायदा होगा आपको कि चीजें आपको आसानी से समझ में आए। तो चलो चलते हम लोग, लेट्स ट्राई 5 की तरफ। लेट्स ट्राई 5 में भी यही काम किया गया है। अब इसमें आपको क्या करना है, एक सवाल मैं आपको बता देता हूं, x प्लस 2, पहला सवाल है x प्लस 2/3 इज इक्वल टू x माइनस 3/4 इज इक्वल टू 5 माइनस x माइनस 1/2। कुछ करना नहीं है, जैसे आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे सेम वैसे ही करना है इसको। आप लोग अगर जैसे पेज में आपकी जगह नहीं बचती तो पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर इसको तीनों को एक बार सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आ लो, फिर एक बार इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, जो आंसर आ जाए, एक बार इसको कर लो जो आंसर आ जाए, उसके बाद इक्वल टू 5 माइनस x माइनस 2 x माइनस 1/2 इसको कर लो इसके आंसर के साथ, तो आपका x की वैल्यू निकल आएगी आसानी से, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहले आप 2 को सॉल्व, जब आप 2 को सॉल्व कर लेंगे उसका जो आंसर आएगा उसी के साथ तीसरे वाले को सॉल्व, आपकी x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, या तो आप इन दोनों को कोई भी दो, क्योंकि तीनों इक्वल है, बीच में साइन दिया है ये तीनों इक्वल है, इसलिए आप कोई भी दो लेके पहले सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, यहां यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, जो आ जाएगी उसको तीसरे वाले के साथ सॉल्व कर दो, यहां जो कुछ आएगा उससे आप तीसरा वाला इक्वेशन सॉल्व कर दो, ये तो एक हम सॉल्व करें, लेकिन आप लोग ट्राई करिएगा, कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की, नहीं आता है तो हम बताते हैं इसको, आप वीडियो में पूछेगा तो हम इसको सॉल्व कर देंगे आपका इक्वेशन। कुल इसमें 10 क्वेश्चन है, या तो चलिए एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाई देते, तो आपको ये कंफ्यूजन बना रहेगा कि ये कैसे होगा। x प्लस 5/3 प्लस x माइनस 10/6 इज इक्वल टू 5x माइनस 2।
इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। वो जो पिछला वाला क्वेश्चन लिखा गया था उस क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई थी लिखने में, उसको आप फिर से देख लो, नहीं तो आप कंफ्यूजन होगा। ये बुक में बुक की मिसप्रिंटिंग के कारण ये ऐसा हो रहा है, किताब में इतनी ढेर सारी मिसप्रिंटिंग्स हैं कि हम लोग इसको बुक इक्वेशन था x प्लस टू बाई थ्री, यहां मैंने इक्वल टू लगाया था, वहां इक्वल टू नहीं है, माइनस माइनस एक्स माइनस थ्री बाई फोर और इज इक्वल टू फाइव माइनस एक्स माइनस वन बाई टू, इस तरह से है वो। तो हम लोग उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, यहां भी इक्वल टू, यहां भी इक्वल टू नहीं है उसको, यहां एक वो थोड़ा और हाई क्वेश्चन हो जाएगा, तो उसमें आपको दो वैल्यूज निकालनी होती है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि आप इसको एक्स बाई टू माइनस एक्स माइनस थ्री बाई, अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, थ्री और फोर का ट्वेल्व आ जाएगा, थ्री फोर जा ट्वेल्व, फोर इंटू एक्स प्लस टू और माइनस फोर थ्री जा ट्वेल्व, थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री, ये इधर हो जाएगा, इधर बाई वन कर दो आप, टू यहां हो गया, वन टू जा टू, टू फाइव जा टेन, माइनस टू वन जा टू, यहां एक्स माइनस वन ही हो जाएगा, एक्स माइनस वन। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लें, फोर एक्स प्लस एट माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन हो जाएगा, अपॉन ट्वेल्व इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा टेन माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा बाई टू, अब फिर से फोर एक्स और थ्री एक्स मिलके सेवन एक्स और एट और नाइन मिलके सेवनटीन, अपॉन ट्वेल्व इज इक्वल टू, यहां आपका टेन और वन मिलके इलेवन माइनस एक्स अपॉन टू। अब आप इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। इसमें कुल दस क्वेश्चन है, आप छह या सात क्वेश्चन इसमें कभी लगाएंगे, उसके बाद आप हमको जैसे होगा अगले वाले उसमें बताएंगे जो वीडियो आएगा। वो जो अभी एक मिसप्रिंटिंग वाला क्वेश्चन था इसको आप ध्यान रखिएगा, अगर आपकी बुक में इक्वल टू लिखा हुआ है तो आप उसको काट के माइनस कर दीजिएगा। अब एक और लेट्स ट्राई बची हुई है, इसके बाद हम लोगों का ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। बहुत ये लंबा वीडियो बन रहा है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोग चलो देखते हैं लेट्स ट्राई सिक्स में क्या है। लेट्स ट्राई सिक्स में है पहला सवाल है जो इसमें, लेट्स ट्राई थ्री में इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, पहले हमको इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में बनाना है, पहले रिड्यूस करना है, रिड्यूस इनटू लीनियर, पहले रिड्यूस करके ले आना है। तो पहला इक्वेशन है ये लेट्स ट्राई सिक्स का, सॉरी फोर एक्स अपान फाइव एक्स प्लस टू इज इक्वल टू माइनस फोर। हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे, हम इसको बाय वन मान लेंगे, उसके बाद इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई, फोर एक्स इंटू वन इज इक्वल टू माइनस फोर इंटू फाइव एक्स प्लस टू। अब क्या करेंगे हम, फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर का इसमें हो जाएगा माइनस ट्वेंटी एक्स और माइनस एट। अब हम 20x को इधर ले लें, 4x माइनस 20x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 20x इज इक्वल टू माइनस एट। अब 20x और 4x मिलके क्या हो जाएगा 24x इज इक्वल टू माइनस एट, x इज इक्वल टू माइनस एट बाई 24, 8 बन जाए 8 3 जा 24, x की वैल्यू आ गई आपको माइनस वन बाई थ्री। इस तरह से इसमें जो इक्वेशन है उसको आप लोग लगाएंगे सॉल्व करेंगे, या आपका जो लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर है या आपका इस तरह से इस वीडियो में तो खत्म हुआ है, लेकिन अभी आप इसको लगाएंगे और ढेर सारी जैसे बीच में पढ़ाते हुए मिसप्रिंटिंग आती है, जैसे वो जो वहां एक माइनस की जगह पे इक्वल टू बुक में लिख दिया गया, तो उसको जब आप लोग नहीं समझ में आता है या कोई ऐसी परेशानी होती है तो आप लोग उसको हमें पर्सनली मैसेज करके, या कोई दिक्कत हो क्योंकि बुक में आंसर्स नहीं दिए तो आपके लिए ये भी परेशानी है कि आपको आंसर्स मिलाने में भी दिक्कत होगी, तो आप उसको उसका आंसर हमसे ले लेंगे या उसको चेक कर लेंगे, या आपका लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपका जो है वो इस तरह से इस वीडियो में तो खत्म होता है, लेकिन आप इसको लगाएंगे भी ढेर सारा। मैंने तो केवल आपके 30% काम किया है, जो 70% काम बच रहा है वो आपको करना है। आप उसको कैसे करेंगे, घर पे बैठे मोबाइल का सही से उपयोग करें, मम्मी पापा की बात को माने, और जो भी चीजें आपको दी जाती है स्कूल से उसको आप लगाएं,
बीच में पढ़ाते समय अगर कोई, क्योंकि 25 मिनट 30 मिनट आधे घंटे का वीडियो बनता है, तो उसमें अगर कोई ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है तो आप लोग उसको माइंड न करें, आगे उसको जो भी टीचर पढ़ाएगा वो उसको ठीक करके तब पढ़ाएगा, क्योंकि 25 मिनट का वीडियो बनाने का और फिर से 25 मिनट 30 मिनट आधे घंटे एक घंटे का बनाना बड़ा मुश्किल काम है। तो बीच में अगर कोई आपके टीचर से या मुझसे या किसी से भी जो पढ़ाते हैं उनसे कोई ऐसी गलती हो जाए कि कोई चीज प्लस की माइनस हो गई, माइनस की प्लस हो गई लिखने में, तो आप उसको थोड़ा सा इजीली लेंगे या आपके टीचर से पूछेंगे उसको, या कोई हिस्ट्री पढ़ा रहा है, कोई ज्योग्राफी पढ़ा रहा है कि सर यहाँ थोड़ी परेशानी हो गई थी, आपने ऐसे लिख दिया था, आपने ऐसे लिख दिया, हो सकता है बुक में मिस प्रिंटिंग रही हो, गलती से लिख गया हो, या टीचर वीडियो बनाते समय उतना ध्यान न दे हो, इन चीजों का आप ध्यान से देखेंगे। और आई होप आप लोगों को हमारी इस विजुअल क्लास में अच्छा लग रहा होगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप सब लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, काढ़ा वाढ़ा पीते रहें।